बस अब और नहीं, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही जैसे भूचाल आ गया, मैं पूरी जोर से चीखी और कहा कि जेठ जी आप, लेकिन मेरी चीख में उतना जोर नहीं था कि वो आंगन के उस पार सो रहे लोगों तक पहुंच सके। और फिर जेठ जी ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया, जिससे रूम में मेरी आवाज़ दबकर रह गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जेठ जी मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे जागने के बाद भी जेठ जी को कोई डर या पछतावा नहीं था। मेरा मुंह उन्होंने बंद कर रखा था, मेरी आंखों में आंसू थे। जेठ जी बोले, देखो सोना बेटा, अगर तुम चिल्लाओ नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटाऊं। मेरा मुंह गुस्से से लाल हो रहा था, जेठ जी के भारी हाथ के कारण मेरा मुंह दर्द कर रहा था। मैंने आंखों से ही उन्हें रिक्वेस्ट किया। उन्होंने फिर पूछा, चिल्लाओगी तो नहीं? मैंने पलके झपका कर कहा। उन्होंने कहा, प्रॉमिस, और मेरे हाथ थोड़ा हल्का कर दिया। मैंने दबी आवाज़ से कहा, प्रॉमिस। उन्होंने हाथ हटा लिया था। मैंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, आप मेरे लिए पिता समान हैं, आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। जेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर है जेठ जी, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। जेठ जी बहुत शर्मिंदा लग रहे थे और बोले, देखो बेटा, मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं बाद में बताऊंगा, तो शायद तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल और आज तुमों को छुआ था, लेकिन तुम नींद में थी। मैं सिर्फ 10 मिनट तुम्हारे जागते हुए तुमको महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी करूँगा वो अपने संतुष्टि के लिए करूँगा, तुम उसमें बिल्कुल भी शामिल मत होना। अगर तुम्हारे शरीर ने मेरा साथ दिया तो तुम शर्त हार जाओगी और मैं समझूंगा कि ये सब तुम्हें अच्छा लग रहा है, फिर तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा। और अगर तुम 10 मिनट तक बगैर किसी उत्तेजना के चुपचाप लेटी रही तो मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूँगा। मैं बहुत असमंजन में फंस गई थी, एक तरफ अपनी आत्मा को मारना था, दूसरी तरफ जेठ से हमेशा के लिए छुटकारा। एक बात का तो ये मुझे पक्का यकीन था कि मैं और मेरा शरीर उसके किसी भी हरकत पर उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि एक तो मुझे उनसे नफरत सी हो गई है और उनको ये पता नहीं लगने दिया था कि मैं जागी हुई हूँ। वैसे भी अगर मैं उनकी शर्त पर ना मानती तो शायद पता नहीं वो क्या करते मेरे साथ। मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी, सब यही बोलेंगे कि बहू में ही बच्चलन है। नहीं तो जिस आदमी ने अपने परिवार की भलाई के लिए शादी तक नहीं की, वो भला कैसे छोटे भाई की बीवी के साथ ऐसा कर सकता है? लोग तो ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे परिवार के लिए जिसने ज़िंदगी सौंप दी उसके लिए तुम अपना शरीर नहीं सौंप सकती। जल्दबाजी में मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने कह दिया मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए कि मेरी शर्त जीत जाने के बाद आप मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। जेठ जी ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में मुझे कर लिया था, मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। मैंने वादे के मुताबिक अपने आप को ढीला छोड़ दिया, जो भी करना है अब उनको ही। बदन कह रहा था कि ये हसीन पल कभी ख़त्म ना हो, पर ज़मीन मुझे धिक्कार रहा था। कभी मुश्किल से 2-3 मिनट बीते होंगे और मैं टूटने की कगार पर थी,
पर सुमेश का ख्याल आते ही वापस अपने होश को संभाल लेती थी। मेरे लिए अपनी बात से वापस आना नामुमकिन था। मुझे वॉशरूम जाना था पर मैं हिल नहीं पाई। फिर पता नहीं मुझसे इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से पहुँच कर बंद कर लिया। सुमेश मेरे दिमाग पर फिर से हावी थे। मैंने सोच लिया कि कम से कम आज तो नहीं। भैया बाहर से आवाज़ लगाते रहे, मुझे वादा खिलाफी करने के लिए कोसते रहे, पर मैंने कहा, जेठ जी आज प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। मैंने वादा नहीं तोड़ा है पर आज मैं इस हालत में नहीं हूँ। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी, यानी सुबह हो चुकी थी। जेठ जी सुबह के सैर के लिए निकल गए थे शायद। पूरा उजाला होने पर मैं तैयार होकर नीचे आई। घर पर अब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ घर के ही लोग थे। सब ने कल तक चले जाना था। मेरी भी ट्रेन कल रात की थी और वो भी जेठ जी के साथ। ख्याल आते ही बदन कांप गया। कब तक बच सकती हूँ? ट्रेन में भी सुमेश हमेशा फर्स्ट एसी का टिकट लेते थे, यानी दो बर्थ वाला के कैबिन मिला तो पूरी रात छोटे से कैबिन में भी और जेठ जी भी। परसों हम सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और रात में सुमेश की अमेरिका की फ्लाइट थी। उसके बाद 10 दिन सिर्फ मैं और जेठ जी। मेरे बचने की कोई भी सूरत नहीं थी। मुझे अपने शरीर से बहुत शिकायत थी, वो अब मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था। हालात ऐसी थी कि मेरी जेठ जी अगर मुझे छू भी लेते तो शरीर उत्तेजना से भर जाता था। जेठ जी 2 दिन पहले तक ऐसे तो बिल्कुल ना थे, अभी भी दिन में अगर वो आमने सामने होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? मैंने एक एक बात को याद करने शुरू की। हो सकता है उस रात मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, दवा खाने के बाद सो गई थी वगैरह, कपड़े बदले। जेठ जी जब रात को सुमेश को स्टेशन छोड़ने गए होंगे तो मुझे अस्त व्यस्त देखा होगा। कमरे की लाइट भी मैंने बंद नहीं की थी और मुझे बेहोश सा देख कर कुछ लालच आ गया होगा छूने का। पर दूसरी रात, हे भगवान, मुझे याद आया कि कहीं फिर से वैसी ही हालत में तो नहीं थी मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा, चाहे जो भी हो जाए, मैं कैसी भी हालत में क्यों ना हूँ, उनको कोई हक नहीं बनता है इस तरह बहू के साथ पेश आने का। अभी इन उलझनों में कोई ही थी कि सास ने आवाज़ लगा दी। सास अकेली ही बैठी थी, मुझे इधर उधर की बात करने लगी। फिर उन्होंने बोला, बेटी एक चीज मांग सकती हूँ तुमसे? मैंने कहा, जी आप आज्ञा दीजिए, मांगने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, बेटी पहले कसम खा कि तू मना नहीं करेगी। अगर तूने मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। सास बोली, बेटी तुम लोग नए ज़माने की हो, मॉडर्न हो, तुम्हें जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, फिगर खराब हो जाएगा, ऐसी सोचती हो, लेकिन अब मैं ज़्यादा जीने वाली नहीं हूँ, खानदान का वारिस देख के जीना चाहती हूँ। बड़े ने शादी नहीं की, छोटा दिमाग और शरीर से अपाहिज है, अब सिर्फ सुमेश है जो खानदान आगे बढ़ा सकता है। लोगों ने बातें करनी शुरू भी कर दी है, 3-3 बेटों के होते, मेरा खानदान अभी तक वारिस को तरस रहा है। मुझे अगले 2 महीनों में बच्चे की खुशखबरी मिलनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने शाम को गाँव में सभी बहुओं को खाने पर बुलाया है, उनके साथ बातें करो, कुछ पूछना हो, सीखना हो, खुलकर बातें करना हो, कर लेना। सब के सब या तो माँ बन चुकी हैं या बनने वाली हैं। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, जी
मैं किचन की तरफ जाने लगी तो सास ने आवाज लगाई, थोड़ा रुकिए करके कहना कि मैं बहू बिना खुशखबरी के गाँव मत आना, शहर में ही अपनी मनमानी करो। मेरे ऊपर जैसे एक और बम फूट गया। अभी भैया के कारण दिमाग खराब था, अब सास ने एक और सरदर्द दे दिया। मैं बहुत दुखी थी, सास को जवाब नहीं दे सकती थी, नहीं तो बोल देती कि मैं तो खुद ही माँ बनने को मरी जा रही थी। लेकिन कैसे बनूं, हम तो कुछ यूज़ भी नहीं करते हैं, अब बच्चे नहीं ठहरे तो मैं क्या करूं? मैं सुमेश को अभी टेंशन नहीं देना चाहती थी, सोचा कि अमेरिका से लौटते पर बताऊंगी। शाम के पार्टी के लिए तैयार होकर आंगन में आ गई। ननद ने देखते ही कह दिया, भाभी किस पर बिजली गिरानी है? सुमेश भैया तो यहाँ है पर नहीं है। मैं सच में बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्रीम कलर की प्योर सिल्क की साड़ी, ब्लाउज बहुत ही अच्छा, ऐसे कि कपड़े बार बार फिसल रहे थे, गहरे रंग की लिपस्टिक और बिंदी क्यामत ढा रहे थे। मैंने गांव की बहुओं की खूबसूरती की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए मैंने अपने को सजाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी शुरू हो गई। इस गांव के लोग कहां से ढूंढ की बहुएं लाते हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। मैं बस उनमें से कपड़ों के मामले में आगे थी, क्योंकि मेरे कपड़ों की फिटिंग और सलीका सबसे अलग और सुंदर था। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। एक बहू मेरे लिए गजरा लाई थी, बालों में लगा दिया। ये सिर्फ बहुओं की पार्टी थी, सिर्फ नौकरानी ही सर्व कर रही थी। हम आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। एक ने कहा, दीदी आप कितनी लगी हो, जब आपको बच्चा होगा तो डॉक्टर घर में ही है। मैंने कह दिया, नहीं नहीं मैं तो शहर में ही दिखाऊंगी किसी लेडी डॉक्टर को, वो मेरे जेठ जी हैं। दूसरी ने कहा, तो क्या हुआ बहन, है तो डॉक्टर ही, यहाँ कितने भी बहुएं हैं आई हुई हैं, सबके डॉक्टर वही हैं, और बहन आज तक सभी के सभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। एक दो बहुएं ने शहर में डॉक्टर को दिखाया था, ऑपरेशन करना पड़ा और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हमारे डॉक्टर तो दूर गाँव से लोग आते हैं इलाज कराने। गाँव की सबसे खूबसूरत बहू चंपा थी, जो सुमेश के दोस्त कमल की बीवी थी। क्या खूबसूरती थी उसकी, कोई हीरोइन की तरह लगती थी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। एक साल का बेटा था पर मस्त अच्छी थी। उससे मुझसे पूछा कि आप अकेली जा रही हो जेठ जी के संग? मुझे कुछ अटपटा सा लगा सवाल, पर मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। मैं जेठ जी के जिक्र तक से दूर रहना चाहती थी, पर पूरी पार्टी में उन्हीं की बातें हो रही थी। मैं तो पहले से ही जली भुनी थी, पार्टी में उनकी तारीफ ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कम से कम किस्मत के मामले में जेठ जी बहुत धनी थे, एक से एक सुंदर औरतें और सब के सब खुद चल के आती थी। मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसे आदमी को शादी की क्या ज़रूरत है, मैं अगर इनकी बीवी होती तो इन रोज़ झगड़ा करती। पार्टी ख़त्म हो गई थी, मैं भी सास से इजाज़त लेकर अपने रूम की तरफ चल पड़ी। अभी तक तो पार्टी का ख्याल ही नहीं था कि भैया मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। देवर आज थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए भैया शाम से ही रूम में थे। उसे रात को नींद की दवा देकर सुलाया जाता था। मैंने नीचे अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और रूम में आ गई। भैया मेरे पलंग पर ही एक कोने पर बैठे मोबाइल पर कुछ कर रहे थे। पूरा रूम खुशबू से भरा हुआ था। भैया ने सुगंध वाली अगरबत्ती चारों तरफ से जला रखी थी। मैंने पूछा कि ये कैसी खुशबू है? उन्होंने कहा,
कि मच्छर ज़्यादा थे इसलिए जला दी। मैं भी पलंग पर दूसरे कोने में बैठ गई। थोड़ी देर तक हम दोनों ही चुप रहे, फिर जेठ जी बोले, अच्छी लग रही हो। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोच लिया था कि एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगी अपने सुहागन का फर्ज निभाने की। इस वक्त सुमेश मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। जेठ जी ने कहा, कपड़े बदलने हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, पहले आप से बात करनी है। जेठ जी मेरी तरफ देखने लगे। मेरा चेहरा तमतमा रहा था। मैंने अपनी आवाज़ कड़ी और कहा, देखिए जेठ जी, मैं सुमेश को ये सारी बातें बताने वाली हूँ। जो कुछ भी आपने किया है मेरे साथ, अगर आप आगे से कुछ ना करने का वादा करें तो मैं इस बात को यही दफन कर दूंगी। भैया ने कहा, और तुम्हारी प्रॉमिस, मैं आपके पैर पकड़कर आपसे माफ़ी मांग लूंगी। जेठ जी बोले, ये चीटिंग है। अच्छा, अचानक पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आई। मैं लगभग चीखते हुए उन पर गालियों की बौछार करने लगी। आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अपनी बहू की इज्जत लूटने वाले हबसी हो आप। आपने अपनी बहनों के साथ भी यही किया होगा। मेरे स्वर थोड़े नरम पड़े। मैं मजबूर थी, पता था, रोते हुए बोली, अगर फिर भी आपको लगे कि आपको अपनी बहू की इज्जत लूटनी है तो लीजिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपके छोटे भाई की पवित्रता पत्नी हूँ मैं। मेरी आंखों में आंसू थे। भैया की आंखें नम हो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने जो भी किया बहुत मजबूर होकर किया। मैंने फिर तेज आवाज में कहा, कोई मजबूरी नहीं हो सकती, आपको शादी कर लेनी चाहिए। इन सब के लिए क्यों ढोंग कर रहे हैं आप अपनी मजबूरी का? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी प्रॉमिस से आज़ाद करता हूँ, पर तुमने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं उसका जवाब इस मोबाइल में है। देख लो, मेरे तेवर कम नहीं हुए थे। बोल पड़ी, मेरी फिल्म बना ली होगी। और आप कर भी कह सकते हैं। तभी मोबाइल से मेरे पति की आवाज़ आई, सुमेश भैया, आज मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे एक महीने के अंदर बहू के माँ बनने की खुशखबरी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट स्टोरी में।